हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाया ओरियो बिस्किट रुआफ़ज़ा से और दूध से। शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। ये यम्मी सा टेस्टी सा डिज़र्ट फॉर यू। देखिए बहुत अच्छा है। ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए, सो यम्मी। तो चलिए देखते हैं ये डिज़र्ट मैंने बनाया कैसे है। तो डिज़र्ट बनाने के लिए हम सिर्फ तीन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, रुआफ़ज़ा, दूध और एक ओरियो बिस्किट जिसमें 10 पीस होते हैं। तो यहाँ सारी बिस्किट्स मैंने निकाल ली है, एक बचा लीजिए ऊपर से गार्निशिंग के लिए। अब क्या करना है, सेपरेट करना है इसकी क्रीम को जिस तरीके से। अब हम इसकी क्रीम्स को हटा लेंगे। तो यह सारी क्रीम्स मैंने यहाँ निकाल ली है। अब बाकी बची बिस्किट्स को हम पीस लेंगे। तो बिस्किट पीसने से पहले आपको लेना है रुआफ़ज़ा, इस पे ऐड करिए 2 छोटा चम्मच रुआफ़ज़ा, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच दूध का। एक और मैं ऐड कर रही हूँ 3 छोटा चम्मच। अब हमें इसको मिक्स कर लेना है बहुत आराम से, ये मिक्स हो जाएगा। तो देखिए इसमें रुआफ़ज़ा का कलर आ गया है, बस यही कलर हमें चाहिए। और जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हमको इसमें इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में, जितनी देर तक हम अपना बिस्किट। जब अच्छे से फिट गया है अब आप इसको रख दीजिए फ्रीज़र में और फिर बिस्किट पीस लीजिए। तो अब क्या करना है, इसमें से हमें पहले 1 चम्मच और ये 2 चम्मच निकाल के अलग रख देना है, और इसको हमें दूध डालकर अच्छे से बैटर बनाना है। याद रखिए दूध आपको सिलो सिलो ही डालना है। तो आपने नोटिस किया होगा मैंने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है क्योंकि रुआफ़ज़ा में मिठास है। फिर से मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाल लिया है। फिर से मैं इसको बस बैटर हमें एकदम स्मूथ बैटर बनाना है। स्मूथ बैटर जितना ज़्यादा हम फेटेंगे उतना अच्छा डिज़र्ट का रिजल्ट आएगा और डिज़र्ट हमारा बहुत अच्छा बनेगा। अब फिर मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ और अगेन मैं इसमें अच्छे से फेट रही हूँ इस तरीके से, ये देखिए। और फिर से आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करिए और फिर से इसको फेटिए इस तरीके से, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया है। ज़्यादा पतला बैटर नहीं करना है, लेकिन हाँ फेटना हमें बहुत अच्छे से है, चाहे इसकी मदद से फेटिए या काटे की मदद से। मिक्सी में चला के ना ही फेटे तो अच्छा है, ऐसे फेटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है इस तरीके से। ये देखिए स्मूथ बैटर एकदम रेडी हो गया है। क्या करना है, आपने जो हमने 2 चम्मच लिया था बचाया था बिस्किट, उसमें थोड़ा सा दूध मैं डालिए, बस इतना कि ये गीला होके चिपक जाए एक दूसरे से। तो यहाँ मैंने ये दूध डाल दिया है 2 चम्मच और ये देखिए इसको मैंने ज़्यादा नहीं रखा, जितनी देर मेरी बिस्किट पीसी बस उतना ही देर इसको फ्रीज़र में रखा है। फर्स्ट लेयर आपको लेना है अपने रुआफ़ज़ा वाले बैटर की, इस तरीके से आप इसमें लगा दीजिए जितना भी आप थोड़ा सा ये। और सेकंड लेयर में हम वो बिस्किट जिसमें हमने थोड़ा सा दूध मिलाया था उसको ऐड करेंगे। और थर्ड लेयर में हमको फ्रीजर से बिस्किट वाला बैटर निकाल लेना है और इस पर ऐड कर देना है इस तरीके से। अब फिर से हमें रुआफ़ज़ा वाला बैटर ऐड करना है। दोस्तों यहाँ काम चल रहा है आसपास, इसलिए इतना शोर आ रहा है, उसको प्लीज उसके लिए सॉरी है। इस तरीके से ऐड करिए और अब फिर से वही बिस्किट जिसमें हमने थोड़ा सा दूध मिलाया था, इन वही जिसमें हमने बहुत ज़्यादा दूध मिला के इसको फ्रीज़र में रखा था, और फिर से एक बार और रुआफ़ज़ा वाला। और अब फाइनल टच दीजिए बिस्किट और दूध वाले बैटर से। अब सूखा वाला बैटर नहीं ऐड करना है। अब जो बिस्किट हमने बचाई थी उसको हम तोड़ लीजिए और अच्छे से इस तरीके से कूट लीजिए, और अब उसी बिस्किट्स को इसके ऊपर से कर दीजिए गार्निश। तो अगर आपको चॉकलेट ये सब चीज़ें बहुत पसंद है ना, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन अभी बिल्कुल भी आपको इसको खाना नहीं है, इसको कम से कम आधा घंटा ज़रूर रखे फ्रीज़र में। अब इसमें फाइनल टच दीजिए रुआफ़ज़ा के साथ। तो उम्मीद करती हूँ ये ग्लास आपको बहुत पसंद आया होगा, एक बहुत अच्छा सा डिज़र्ट है जो हम इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ओरियो बिस्किट खाना बहुत पसंद है और रुआफ़ज़ा पीना भी, गर्मियों में तो हम सभी रुआफ़ज़ा पीते हैं और बिस्किट भी खाते ही हैं हमेशा, तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।